अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुटेक आरिफ। आज हम बात करने वाले हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बारे में, जो उसका रिसेंटली पेपर हो गया है वो मैं सॉल्वड पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। इसका मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। पार्ट सेकंड जो है, इसमें हम करेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो है सेक्शन 4 का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन 4 का है। पहला, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे कि OMR आता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं वो कौन सा डिवाइस है जो उनको रीड करता है, फिर बाद में जैसे सब लोग एग्ज़ाम दे के चले जाते हैं अपना OMR भर के, तो उसको फिर वो उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, तो वो उस मशीन का नाम क्या है जो उसको रीड करता है, रिज़ल्ट दिखाता है। तो उसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका आंसर डी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है जो गलत है, तो इसका आंसर है सी, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ SMPS। SMPS का ये कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि कंपोनेंट है, तो इसका आंसर है सी। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन MS वर्ड। जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो वहाँ हम कंट्रोल और कंट्रोल प्लस बी जब एक साथ दबाते हैं तो वह उससे क्या होता है, तो इसका आंसर है ए, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्ट टेक्स्ट टू बोल्ड। ये जो हमने ये सिलेक्ट टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ होता है पहले, फिर कंट्रोल बी दबा के उस वो बोल्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। दिए गए इनमें से कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर है डी, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विद रेस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट्स। ये एक फाइल फॉर्मेट है JPEG, तो इनमें से बोले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ए प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो वो होता है ऑब्वियसली सबको पता होगा, वो रैम है, तो इसका आंसर है ए, रैम। अब है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, बायोस इज़ द प्रोग्राम विच हेल्प्स टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर ड्यूरिंग कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, फुल फॉर्म ऑफ बायोस बताना है, तो इसका आंसर है ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसका आंसर है 1, 2 and 3 ओनली, पहला है, दूसरा और तीसरा, ये आप स्क्रीन शॉट करके पढ़ सकते हैं खुद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज़ और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसका आंसर है 1, 2 and 3, डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीनों कंप्यूटर एप्लीकेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। ASCII का पूरा मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। दिए गए ऑप्शंस में से इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, बारकोड, डी, बारकोड स्कैनर। 62, कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट इन बाइनरी। तो बाइनरी में इस वैल्यू को 12 को कन्वर्ट करना है, बाइनरी में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है ऑप्शन ए, 1100। क्वेश्चन नंबर 63, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की फीचर इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर है इसका आंसर है डी, इट्स नॉन वोलेटाइल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, ए सुपीरियर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एट ए स्विफ्ट प्लेस इज कॉल्ड। इसका आंसर है सी, वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN विद रेस्पेक्ट टू नेटवर्किंग। वो यूज़ किया जाता है जब किसी का कोई वो किसी चीज़ में भी यूज़ होती है, उसे थोड़ा स्पीड अप हो जाती है। इसका आंसर है बी, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म है विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, SSD इज़ ए न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स। व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD का मतलब क्या होता है, तो SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव।
अब है क्वेश्चन नंबर 67। ए प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज़ लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विश इज़ कॉल्ड। जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कोई ऐसी फंक्शन करता है कि जिसकी आपने उसको कमांड नहीं दी हुई होती है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को क्या हो गया है? तो इसका आंसर है डी, कंप्यूटर वायरस है वो, जिससे कंप्यूटर खुद फंक्शन करता है या हैंग हो जाता है, ऐसी चीज़ें। वट डज WWW स्टैंड फॉर? WWW का पूरा जो है इसका क्या मानी है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका पूरा। ये बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल क्लाइंट? ईमेल क्लाइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। लेज़र प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेज़र प्रिंटर? में प्रिंटिंग की स्पीड क्या होती है? तो इसका आंसर है डी, पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फॉर द बिगिनिंग? एम एस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं, वो कैसे होता है? F5 दबा के। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 72। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का पूरा मतलब क्या होगा? जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब है क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज़ FTP इन डेटा कम्युनिकेशंस? FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर विद रेस्पेक्ट टू ईमेलिंग? इसका आंसर है डी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 75 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग या कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन फेड डेटा? तो इसका आंसर है मशीन लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप सिक्योर एंड ईजिएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड कैन बी एक्यूज्ड फ्रॉम एनी वेयर बाई यूजिंग इंटरनेट? तो आप ऑनलाइन, जो आजकल तो सभी मोबाइल में आ गया है कि ऑनलाइन क्लाउड में डेटा रख के फिर कहीं पर भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर है बी, स्टोर द डेटा इन क्लाउड। Which one of the following is not an open source operating system? Open source operating system कौन सा इनमें से नहीं है? तो इसका आंसर है ए, विंडोज़। इसके बाद एक क्वेश्चन 78। मैच द फॉलोइंग इनका इसका आंसर है डी, फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ सी। ये आप स्क्रीन शॉट करके देख सकते हैं। इसके बाद 79। Which one of the following MS Excel functions is used to remove extra space from a cell? अगर आप एम एस एक्सेल में हैं तो आपको कुछ रिमूव करना है एक्स्ट्रा स्पेस सेल के लिए, तो आप उसको कैसे करोगे? तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको हम ट्रिम करके छोटा कर देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 80, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का लास्ट क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, वो है सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? सुपर कंप्यूटर्स किस लिए यूज़ होते हैं? तो इसका आंसर है वेदर फोरकास्टिंग, क्वांटम मशीन्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस। तो ये तीनों इसके आंसर हैं। तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो गाइज ये था सिल, ये आपका था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो है ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करने वाला हूँ जिसमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।